ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड में भी मंत्री हो तो मंत्री सिसोदिया जैसा। जी हाँ, ये बात हर किसी को कहने पर मजबूर कर देगा कि मंत्री हो तो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया के जैसा, जिसे ना तो अपने डिप्टी सीएम का घमंड है और ना ही गुमान। कैबिनेट मंत्री होने का यदि मंत्री के पास कुछ है तो वो है अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के साथ कुशल व्यवहार व शालीनता से पेश आने का अंदाज। बेशक मंत्री सिसोदिया के इस अनोखे अंदाज को देखकर राजनीतिक लोगों ने महज इसे नौटंकी व दिखावा बताना शुरू कर दिया है, लेकिन मंत्री सिसोदिया की ये नौटंकी ही सही, लेकिन डिप्टी सीएम ने बेशक ये दिखावा किया हो, परंतु मंत्री का ये दिखावा भी खासकर श्रमगारों के लिए वरदान साबित होने जैसा प्रतीत हो रहा है। कारण दिल्ली जैसे शहर में इस बढ़ते ठंड में श्रमिक अपने कार्ड बनवाने के लिए सुबह के 3 बजे से ही आकर लाइन में लगते थे, बावजूद भी घंटों इंतजार के बाद भी उनका कार्ड नहीं बन पा रहा था। वहीं जब श्रम कार्ड में हो रही लापरवाही व जमकर हो रही दलाली की सूचना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगी तो मंत्री सिसोदिया ने अपनी देवतुल्य जनता का दर्द बांटने श्रम कार्ड सेंटर का निरीक्षण किया और कार्ड बांटने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रमिकों को कार्ड बनवाने में कोई समस्या ना हो। वहीं दूसरी ओर एक उत्तराखंड प्रदेश भी है जहां मंत्री अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हुए फोटो खिंचवाते नजर तो जरूर आते हैं, लेकिन मानो इन्हें गरीबों की समस्या से दूर दूर तक कोई सरोकार ही ना हो। आलम ये है कि उत्तराखंड में श्रमिक अपनी समस्याओं से जूझते नजर आते हैं, जिन्हें देखने की श्रम मंत्री की बात तो दूर, श्रम अधिकारी तक भी झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। उल्टा यहाँ के श्रमिकों के अधिकार को विभाग अपने चहेते ठेकेदारों से मिली भगत कर श्रमिकों को मिलने वाले सामानों को दोनों हाथों से बंदर बांट करते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मंत्री सिसोदिया से श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत सीख लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून, एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021। कोर्स अवेलेबल बीएससी इन कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर, पीसीएम और सीबीजेट, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, बीए, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पीजी डिप्लोमा एंड एमए इन इंग्लिश, बीएड। डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।